एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द लास्ट पार्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस, दैट इज कॉम्पोजिट रेशियो। कॉम्पोजिट रेशियो ये एक कॉम्बिनेशन रेशियो है जिसमें बैलेंस शीट का भी हम लोग कुछ पार्ट यूज़ करेंगे और रेवेन्यू स्टेटमेंट दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी कुछ पार्ट हम लोग यूज़ करेंगे। दोनों को मर्ज करके जो रेशियोज़ निकलेंगे, तो कोई आइटम हम लोग बैलेंस शीट से उठाएंगे, कोई आइटम हम लोग पीएनएल से उठाएंगे और फिर उसके बेसिस पे रेशियो एनालिसिस करेंगे। तो दैट इज़ योर कॉम्पोजिट रेशियो एनालिसिस, तो उसको कंबाइंड एनालिसिस भी बोल सकते हो, जो बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी याद रखना पड़ेगा और रेवेन्यू स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले वो रेवेन्यू वाला और बैलेंस शीट वाला मेरा वीडियो अवेलेबल है, आप पहले वो देख लो, उसके बाद कॉम्पोजिट रेशियो आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कॉम्पोजिट रेशियो जो है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नाम से ही पता चल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में जितना पैसा आपने लगाया उस पर क्या रिटर्न है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, हम लोग को रिटर्न किस पे चाहिए, जितना पैसा लगाया उस पर, तो हम लोग का बेस हो जाएगा कैपिटल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब न्यूमरेटर क्या बन जाएगा कि पैसा लगाया है, पैसा लगाने पे अपने को क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो पूरा प्रॉफिट कितना आ रहा है बिफोर पेइंग टू गवर्नमेंट, राइट। तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स भरने से पहले का प्रॉफिट लो, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बेस क्यों बना, क्योंकि इतना पैसा हम लोग ने लगाया तभी तो हम लोग को इतना प्रॉफिट मिलेगा ना, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग ने डिनोमिनेटर बनाया, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आई बात समझ में। अब ये चीज़ को याद में रखो, ध्यान में रखो कि हम लोग ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो दैट इज़ योर बेस, बेस मतलब अपना डिवाइड बाय हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब उसको बेस बना के हम लोग ने बिजनेस में पैसा तो लगा दिया, अब अपने को प्रॉफिट मिला, लेकिन कौन सा प्रॉफिट लेने का, इट शुड बी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट नहीं भरा, टैक्स नहीं भरा, क्यों इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं लेने का, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इंटरेस्ट जो है हम लोग ने जो पैसा बोरो किया होगा वो पैसा बोरो के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, तो उसको भी अभी पैसा नहीं देने का और फिर डिसाइड करने का कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमाया है। तो इसलिए हम लोग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। टैक्स भी क्यों नहीं माइनस किया, जब इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ तो टैक्स तो माइनस ही नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस होगा तभी तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा और एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा तभी तो आप टैक्स गवर्नमेंट को भर पाओगे, इसलिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग लेते हैं। इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में लोन फंड होता है। बिफोर टैक्स इसलिए लेते हैं कि जब इंटरेस्ट ही माइनस नहीं हुआ तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता मिल पाता है, तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता मिल पाता है इसलिए हम लोग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं और डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। आई बात समझ में। तो ये है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालता है, ये दिया है देखो, ओन फंड, बोरोड फंड, बोरोड फंड के ऊपर इंटरेस्ट होता है इसलिए हम लोग इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, फिक्टिशियस एसेट माइनस करने का, लॉसेस माइनस करने का। ये आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो जब बैलेंस शीट का वाला है वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा आपका है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर। अब देखो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, पहला पूरा फंड पे था कैपिटल एम्प्लॉयड, अब बोल रहा है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ ओनर फंड होते हैं, ओनर आर द ओन फंड आर द प्रोप्राइटर फंड, उसमें बोरोड फंड नहीं आता है। तो इसका मतलब अब जो हम लोग का बेस होगा वो प्रोप्राइटर फंड होगा, ठीक है। तो प्रोप्राइटर फंड में ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो अब प्रॉफिट कौन सा लेने का, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला लेने का या आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला लेने का। तो जब हम लोग को बोरोड फंड ही नहीं लेना है, बोरोड फंड ही नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट के बाद वाला लेना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट के बाद वाला लेंगे तो टैक्स भी माइनस होने के बाद वाला लेंगे, तो हम लोग का जो न्यूमरेटर बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइड बाय प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड का मतलब यही वाला है, ओन फंड जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, और ओन फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स इन सरप्लस, लॉसेस और फिक्टिशियस माइनस करने का। आ रही है बात समझ में, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। अब देखो नीचे वाला रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। अब
रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एक 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 करके नीचे आते जा रहे हैं। अब ओन फंड नहीं लेने का, ओन फंड में इक्विटी और प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस को हटा देने का, ठीक है। तो इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस लॉसेस माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस लेने का, आई बात समझ में। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का होगा प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंट डिविडेंड। देखो यही वाला लिए थे, लेकिन अब प्रेफरेंट डिविडेंड माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग को सिर्फ देखना है कि इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंट डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी फंड, दैट इज नथिंग बट ओन फंड, जिसमें इक्विटी शेयर लेने का, रिजर्व्स लेने का, लॉस माइनस करने का और फिक्टिशियस माइनस करने का। तो देखो यहाँ पे टोटल ओन फंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये सिस्टमेटिक अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, रिटर्न ऑन प्रोपराइटर फंड क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल क्या होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे कर रहे हो आप, बराबर है। तो कितना डिविडेंड पे कर रहे हो, तो जो डिविडेंड है वो ले लो। तो डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, याद रखना ये डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं करता, इक्विटी शेयर, क्योंकि दे आर द मेन ओनर। तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंट डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंट डिविडेंड पे करने के बाद ही आपको जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट अवेलेबल होगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, कितना डिविडेंड पे कर रहे हो, और वो डिविडेंड कहाँ से पे करोगे, जो प्रॉफिट होगा वही करोगे ना, और वो प्रॉफिट कौन सा, सब इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद, प्रेफरेंट डिविडेंड देने के बाद जो अपना प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट में से हम लोग डिविडेंड देंगे इक्विटी शेयर होल्डर। तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंट डिविडेंड। आई बात समझ में? दिस इज योर डिविडेंड पे आउट रेशियो। नेक्स्ट इज डेट सर्विस रेशियो और डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले इसको लिखता हूँ तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा इसको। प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो पेमेंट बिफोर इंटरेस्ट आया तो टैक्स भी बिफोर हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जब तक माइनस नहीं होता जब तक टैक्स माइनस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस करेंगे जब ही तो एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा ना कंपनी का। तो पेमेंट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स भरने से पहले प्रॉफिट कितना था और कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, आई बात समझ में? वापिस से, आपके पास प्रॉफिट कितना था इंटरेस्ट और टैक्स भरने से पहले, और आप इंटरेस्ट कितना भरने वाले हो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डेट। तो ये क्या बताता है कि हम लोग के पास अगर एग्जांपल के तौर पे 100 रुपया अगर प्रॉफिट है और हम लोग का इंटरेस्ट अगर 20 रुपया भरने को आता है तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 5 गुना है हमारे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से। तो डेट सर्विस रेशियो और डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बोलता है कि हम लोग इंटरेस्ट को कितना कवर कर पाएंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट इतना है कि हम लोग इंटरेस्ट को 5 गुना तक कवर कर पाएंगे, दैट इज योर डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आई बात समझ में? यस। नेक्स्ट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट के साथ आप इंस्टॉलमेंट भी भरते हो, लोन है तो EMI भरोगे ही, तो वो भी लेने का, तो इंटरेस्ट ऑन डेट के साथ इंस्टॉलमेंट आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। कैश प्रॉफिट अवेलेबल टू पेमेंट टू डेट, डेट पेमेंट करने के लिए जो कैश प्रॉफिट अवेलेबल है वो लेने का, इंटरेस्ट ऑन डेट ये तो हम लोग ने ऊपर से ही ले लिया, और इंस्टॉलमेंट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट भरोगे तो लोन का इंस्टॉलमेंट भी भरोगे ना, वो लेने का, डिवाइड करने का आंसर आएगा। अब ये कैश प्रॉफिट अवेलेबल टू डेट क्या है, दैट इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर ऐड करने का इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर नॉन कैश आइटम ऐड करने का जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल एक्सेट्रा। तो ये नॉन कैश आइटम जो है डेप्रिसिएशन, गुडविल, ये सब ऐड करने का और इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड करने का, तब जाके आपको मिलेगा कैश प्रॉफिट अवेलेबल टू पेमेंट टू डेट। तो ये थोड़ा यूनिक है, ये ज़रा ध्यान रखना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCOM पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल्सो UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैश प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, सॉरी पेमेंट टू डेट डिवाइड बाई इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट सेकेंड लास्ट डेटर टर्नओवर रेशियो,
लास्ट टाइम हमने स्टॉक टर्नओवर किया था कि हाउ क्विकली द क्रेडिट सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब डेटर मतलब आपने उधार पे माल बेचा, अब उधार पे आपने माल बेचा तो वो कैश कब देगा आपको, कितनी जल्दी कन्वर्ट करेगा, कितने टाइम में कन्वर्ट करेगा, तो उसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल्स तो आपको पता है जो माल आपने उधार पे बेचा, एवरेज डेटर का मतलब होता है डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू, एवरेज लेने का। इससे ये पता चलता है कि साल भर में आपको कैश कितने बार मिलने वाला है, एक बार मिलेगा, दो बार मिलेगा, टू टाइम्स, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम्स, बात समझ में आ रही है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का ये मतलब होता है जो माल आपने उधारी पे बेचा तो वो आपको साल भर में कितने बार पैसा देगा, दो बार देगा, चार बार देगा, पाँच बार देगा, छः बार देगा, वो बताता है। सेम वे में डेटर कलेक्शन पीरियड होता है, डेटर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, ये बताता है कि कितने दिन में देगा, कितने महीने में देगा, कितने वीक में देगा। तो उसका फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से, 12 मंथ्स 365 डेज और 52 वीक डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। तो आपको ये बताता है एक महीना, दो महीना, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 12 वीक, 10 वीक, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो दिस इज़ योर डेटर वेलोसिटी कलेक्शन पीरियड। सेम वे में स्टॉक टर्नओवर और स्टॉक वेलोसिटी था, सेम वे में अब आएगा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का भी सेम है, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स होता है, यहाँ पे आपका क्रेडिट परचेज होता है, यहाँ पे आपका एवरेज डेटर होता है, यहाँ पे आपका एवरेज क्रेडिटर होता है। एवरेज डेटर यहाँ डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल है, यहाँ पे आपका क्रेडिटर प्लस बिल्स रिसीव बिल्स पेबल है, सेम है। सीधा वेलोसिटी भी सेम है, यहाँ पे कलेक्शन होता है क्योंकि डेटर से पैसा लिया जाता है, यहाँ क्रेडिटर को पैसा दिया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला भी सेम रहेगा, आई बात समझ में? तो ये डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है। यहाँ पे बोला था कितने टाइम में आपको पैसा मिलेगा, दो बार, तीन बार, चार बार, साल भर में। यहाँ पे आपको कितने टाइम में पैसा देना है, साल में एक बार देना है, दो बार देना है, तीन बार देना है, चार बार देना है, समझ में आ रही है बात? तो डेटर टर्नओवर में मिलने वाला रहता है और डेटर क्रेडिटर टर्नओवर में देना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कंबाइंड रेशियो, कॉम्पोजिट रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी डाउट है आप इसको एक दो बार गो थ्रू करिए तो दिमाग में फिट हो जाएगा, और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर रही है, एंड कुछ भी अगर चाहिए तो कमेंट के ज़रिए आप हम लोग मुझे बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।